शॉर्ट टाइम एंड ट्रिक के पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। और इस वीडियो का ट्रिक है, अगर x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू अगर टू है, देन x टू दी पावर कुछ भी हो, x y z m n वन टू थ्री प्लस वन अपन x टू दी पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा आपका होगा जो कि टू। ये हो गया फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक, अगर x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू अगर टू है, देन एक्स टू दी पावर कुछ भी हो, माइनस वन अपन एक्स टू दी पावर कुछ भी हो सकता है, जो कि आंसर हमेशा होगा आपका जीरो। तो जो दो ट्रिक है किस तरह से आ रहा है देख लेते हैं। यहां पर देखिए एट फर्स्ट दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू टू, तो मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन अपन वन इक्वल टू टू, तो सिंपली वन प्लस वन यानी कि टू इक्वल टू टू, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल हो रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वन, यानी कि इसमें भी जो कि एक्स इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट में जो कि एक्स टू दी पावर एम प्लस वन अपन एक्स टू दी पावर एन में जो कि एक्स जो कि वन, तो वन टू दी पावर एम प्लस वन अपन वन टू दी पावर एम और सॉरी यहां पर एन, तो एक वन के पावर में कुछ भी हो हमेशा वन होगा, वन के पावर में कुछ भी हो सकते हैं हमेशा जो कि वन होगा, तो वन प्लस वन जो कि टू। तो इतना ज्यादा नहीं करके अब डायरेक्ट जो कि एक्स के पावर में कुछ भी हो, एक्स के पावर में कुछ भी हो, आंसर आपका हमेशा टू होगा। इसी तरह से एक्स टू दी पावर एम जो कि वन टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन एक्स वन टू दी पावर एन जो कि वन माइनस वन होगा जो कि जीरो आपका आंसर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और यहाँ पर थ्री क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, देन एक्स टू दी पावर सेवनटीन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर नाइनटीन इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पर सी एच एस एल 2012 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे आज के, तो सिंपली आंसर हमेशा टू, टू आपका आंसर। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर टू है, देन एक्स टू दी पावर ट्वेल्व माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर ट्वेल्व जो कि यहाँ पर माइनस यानी कि जीरो। और ये क्वेश्चन सीजीएल 2015 के एग्जाम में पूछा जाए। और लास्ट क्वेश्चन जो कि x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू अगर टू है, देन x टू दी पावर हंड्रेड प्लस वन अपन x टू दी पावर हंड्रेड, x के पावर में कुछ भी हो जो कि टू होगा, जो कि सीजीएल 2010 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों ट्रिक्स को समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।